मैं थोड़ी तफसील में जाना चाहता था, लेकिन कायदे अहले हदीस तशरीफ़ फरमा है, मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, उसके बाद शाकिर साहब का खिताब होगा। किसे मुलक नू बर्बाद करना होए तो अवाम नू फौज दे खिलाफ कर देईदा, अगर दीन नू खत्म करना होए तो अवाम नू उलामा दे खिलाफ कर देईदा। कुछ छोटी सोच दे लोग, ये मैं छोटी कह रहा हूं, रिकॉर्ड हो रहा, इस दफा छोटी कह रहा, मैं बड़िया गल्लां करनियां सां, कायदे मोहतरम मौजूद ने, कोई नहीं करनी गल। कुछ छोटी सोच दे लोग जेड़े कह रहे सन कि प्रोग्राम लिया ही नहीं, कोई आंदा सी चीमा साहब ने बयान करना है, कोई आंदा सी शाह साहब ने नहीं आना, ओ गल आ गल। मैं मुबारकबाद देना वो छोटी सोच दे लोगों नू कि शाह साहब गोजरा दे इलाके 302 नूरपुर मरकजी मस्जिद मौजूद ने। अल्लाह ताला इन्हां दी जिंदगी च बरकत पाए, तुहाडी मुहब्बत कबूल करे। नैट खोलीए तो अखां थक जांदियां, तकरीरां शाह साहब दियां नहीं मुकदियां, वो अपने मरकज च ही सारे बयान करदे ने। बंदा बयान देंदा है और बयान करदा है, अगर अल्लाह की जमीन ते अज या जदों तक अल्लाह का दीन कायम है, वह अल्लाह की रहमत तो बाद उलमा की वजह तो है। ये तो नहीं असी मुकर सकते, ये तो नहीं कोई भी मुकर सकता। उलमा नाल मुहब्बत करनी चाहिए, इन्हां दी खिदमत करनी चाहिए, इन्हां नाल तावन करना चाहिए, इन्हां दे बारे हुसने जन रखना चाहिए। मजबूरियां हर बंदे दे नाल हुंदियां। अल्लाह ताला प्रोग्राम अपनी बारगाह च कबूल फरमाए। वो लोग जिहड़े मैं तुहानू दसे ने, उन्हां दी सिफत भी दसी है, वह छोटी वाली, उन्हां नू मैं मुबारकबाद देना, बिला तखीर दावत खिताब देना। फाजले नौजवान मुकर्रे जिशान हज़रत मौलाना उमर फरूक शाकर साहब नू कि वह माइक ते आण और अपने ख्यालात दा इजहार फरमान। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. حضرات گرامی، आज दी ए अजीम शान कानफ्रेंस मुहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दे अजीम उनवान दे नाल इनाकात पजीर है। हजरात, नबी अलैहि सलाम दी मुहब्बत सिर्फ इंसान दे ईमान दा हिस्सा ही नहीं, बल्कि ऐन ईमान है। उस वक्त तक बंदे दा ईमान मुकम्मल हो ही नहीं सकता जब तक सारी कायनात नाल बढ़ के जनाबे मुहम्मद नाल प्यार करन वाला ना बन जाए।
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अजरा नबी अलैहि सलात व सलाम दी मुहब्बत दे बेशुमार तकाजे ने जिन्ना दे अंदरों बड़े इख्तसार दे नाल सिर्फ एक तकाजे दा जिक्र करके अपनी बात नू इख्तसार वल लै करके आवांगा। उसका नाम है आप दी सुन्नत दी पैरवी करना, इत्तबाए सुन्नत। हजरात, एक लफज इतात हुंदा है और एक इत्तबा हुंदा है। इतात दा माना फरमा बरदारी करना, गल मनना, और इत्तबा दा माना ए हुंदा है कि आप दे नक्शे कदम ते चलना। इत्तबा असल दे अंदर तबीया दे अंदरों है, और तबीया अरबी अंदर उस जानवर नू किया जांदा है जो बवक्ते वलाद जमीन ते पड़िया होए और इसनू किसे ने दसिया भी नहीं, किसे कोलो इन्ने पुछिया भी नहीं कि तेरी जन्म देने वाली मां फलाए। और भी जानवर मौजूद ने इस बाड़े दे अंदर, लेकिन ये जदो भी कदम उठा के जाएगा सीधा अपनी मां की तरफ जाएगा। इन्नू तबीया कहिंदे ने। जड़ा मुसलमान जिंदगी दा एक एक कदम, खुशी होए तो तब, गमी होए तो तब, महबूब दी सुन्नत दे मुताबिक उठाए, ऐसे खुश नसीब बंदे नू मुत्तबे सुन्नत किया जांदा है। अल्लाह सानू आप दी सुन्नत दे नाल सही माने अंदर प्यार करन दी तौफीक अता फरमाए। सुन्नत की है, जेड़ा कम महबूब ने कीता ओनू करना सुन्नत। एक कम कीता नहीं बल्कि आपने फरमा दिता, ओ फरमान सुन्नत। एक कम ना कीता ना फरमाया, आप दे सामने किसे ने अमल कीता, महबूब नू अमल प्यारा लगा, आप खामोश हो गए। आप दी खामोशी अल्लाह पाक नू इतनी पसंद आई है, अल्लाह पाक ने ओनू भी मेरे मुहम्मद दी सुन्नत बना छड़े है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। और सुन्नत दी इत्तबा दा नतीजा की निकलेगा, आइए महबूब दा फरमान सुनिए। मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम, मेरे महबूब फरमांदे ने, फरमाया मन अहब्बा सुन्नती फकद अहब्बानी व मन अहब्बानी कान माईया फिल जन्ना। लोगो जिन्ने मेरी सुन्नत नाल प्यार कीता समझो उन्ने मेरे नाल प्यार कीता, ते जिन्ने मेरे नाल प्यार कीता ओ जन्नत अंदर भी मुहम्मद दे नाल ही होएगा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। ताते मेरे रब करीम ने ऐलान फरमाया, फरमाया ऐ मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम, मेरे पैगंबर ऐलान फरमा दिया, कुल कह दीजिए, फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم। ए कायनात दे लोगो, अगर चाहते हो अल्लाह तुहाडे नाल प्यार करन, अगर चाहते हो अल्लाह तुहाडे नाल मुहब्बत करन, अगर चाहते हो कि तुसी महबूबे खुदा बन जाओ, उनका एक ही तरीका पता भी ओनी मेरे पैगंबर दी तिबा करे अज पता भी ओनी मेरे पैगंबर दे नक्शे कदम ते चले अज। हजरात गिरामी किथे याद आए मुनाजरे सलाम हाफिज मुहम्मद अब्दुल्ला शेखपुरी, सब प्यार नल कह दो रहमतुल्ला ले, बड़ा प्यारा तर्जमा कीता करदे सी, फरमांदे पता भी ओनी लोको मेरे नबी दी नकल मारे अजे।
जिवे मेरे महबूब ने नमाज पढ़ी उंज नमाज पढ़े आजे, जिवे मेरे पैगंबर ने रोजे रखे उंज रोजे रखे आजे, जिवे दिया मेरे पैगंबर दिया खुशियां उंज खुशियां मनाया जे, जिवे दे मेरे पैगंबर दे गमी दे अंदाज उंज दे अंदाज अपनाया जे। फरमाया यो हबीब को मुल्ला तुसी मेरे पैगंबर दे सच्चे गुलाम बन जाओगे, अल्लाह तुहाडे नाल प्यार करेगा, अल्लाह तुहाडे नाल मुहब्बत करेगा। ए मेरे मौला किवें दा प्यार होएगा, किवें दी मुहब्बत होएगी। फरमाया व यगफिर लकुम जुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। लोगो जड़ा मेरे महबूब नाल प्यार करेगा, मैं उंदे नाल सिर्फ प्यार ही नहीं करांगा बल्कि गुनाह माफ करके जन्नत दा दाखला भी अता कर देवांगा। या फिर इंज समझिए, सिर्फ प्यार ही नहीं करांगा, जेड़ा मेरे महबूब नाल प्यार करेगा मैं ऐसे बंदे दे गुनाह माफ करके बेड़ा पार कर देवांगा। आओ फिर इब्तदा दे अंदर प्यार दे नाल क्यों ना कह जावां, जिदा नबी जी दे संग सच्चा प्यार हो गया पावे लख गुनागार बेड़ा पार हो गया, जिदी आका दे दवारे ते रसाई हो गई ओदे ऐबां ते गुनावां दी सफाई हो गई, ओते ऐसे बुए दा यारो चौकीदार हो गया पावे लख गुनागार बेड़ा पार हो गया। हज़रात गिरामी मैं जड़ा पैगाम देना चाहना, अज प्यार असी भी पैगंबर दे नाल करने आ, प्यार मेरे पैगंबर दे सहाबा ने भी मुहब्बत असी भी पैगंबर दे नाल करने आओ, मुहब्बत मेरे पैगंबर दे सहाबा ने भी कीती है। लेकिन आज दे मुसलमान दे प्यार दे अंदर और मेरे पैगंबर दे सहाबा दे प्यार अंदर फर्क की है। तू ते मैं कलमा नबी पाक दा पढ़ के मर्जियां अपनियां करने आओ, कलमा नबी पाक दा पढ़ के बात औरां दी मनने आओ, कलमा नबी पाक दा पढ़ के गल औरां दी तस्लीम करने आओ। लेकिन जदों मेरे पैगंबर दे सहाबा ने मेरे पैगंबर दा कलमा पढ़िया छोड़ दित्ती अपनी मर्जी करनी, छोड़ दित्ता औरां दा कहना मनना, उन्हें अपनी मर्जी नू मेरे मुहम्मद दी मर्जी ते कुर्बान कर छड़े आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी एक हदीस सुनाना चाहना, आओ मैं तुहानू अपने पैगंबर दी बेटी दी सुनावा। केड़ी बेटी जिन्ना दा नाम सईदा फातिमत ज़हरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा, ए कौन फातिमा जिन्ना दे मुतलक मेरे महबूब फरमांदे ने इन्ना फातिमत बिनत मुहम्मदिन बिज़अतु मिन्नी। लोगो जड़िया सईदा फातिमा ने अल्लाह पाक ने फातिमा नू मेरे मुहम्मद दे दिल दा टुकड़ा बना छड़े आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे महबूब तशरीफ फरमाने सईदा फातिमा तज़हरा मेरे पैगंबर दे पास आईया, आ करके फरमांदियां ने महबूब जी आ मेरे हाथ देखो, सारा दिन चक्की ते दाने पीस पीस के मेरे हाथ ते निशान बन चुके ने। महबूब जी जानते जे कितनी दूर कुआ तीन मील का सफर है, सईदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ओदा कुआ ओते जानिया मशकीजा पर करके लै करके आनी आ। महबूब जी थक जानी आ, जी जी बेटा किवें आना गोया, पर मैं अबू जी मैनू पता चलिया है तुहाडे कोल गुलाम भी आए ने लोंडियां भी आईया ने। अबू जी एक गुलाम या एक लोंडी दे दो। हज़रात गिरामी मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर फरमांदे ने बेटा देर हो गई है, काश पहले आ जांदियां, उन ते गुलाम भी तकसीम हो चुके ने, उन ते लोंडियां भी तकसीम हो चुकियां ने। हज़रात ते गिरामी मेरे पैगंबर अगर चांदे ते अपने सहाबा दे अंदर किसे नु भी आर्डर कर देंदे, ओ मेरे सहाबियो बेटियां कर अंदर आईयां मोड़ियां नहीं जांदियां। इंज करो गुलाम
ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਂਡੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਵਾਂਗੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਇੰਜ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਇਸ ਬਾਤ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਂਡੀਆਂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੋ। ਅਮਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਆਖਰਤ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਟੀ ਫਾਤਿਮਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਲੇਟਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ 33 ਮਰਤਬਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, 33 ਮਰਤਬਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ, 34 ਮਰਤਬਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਬੇਟਾ ਇਹ 100 ਕਲੀਮਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਥਕਾਵਟ ਮੇਰੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਫਰਮਾ ਦੇਣਗੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਗ੍ਰਾਮੀ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਯਦਨਾ ਅਲੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਫਾਤਿਮਾ ਦੱਸੋ, ਲੋਂਡੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਗੁਲਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਕੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਜੇ? ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਂਡੀਆਂ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ, ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੱਸਿਆ ਏ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹਜ਼ਰਤ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਸੈਯਦਨਾ ਅਲੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫੇ, ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਦੀ ਹਦੀਸ ਸੁਣੀਏ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਿਆ, ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੈਯਦਨਾ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਬੈਠੇ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਅੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਥੀਓ ਜਦੋਂ ਦਮ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੱਸਿਆ, ਫਾਤਿਮਾ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਜ਼ੀਫਾ ਬੋਲੋ ਛੱਡਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੋਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਵਿਰਦ ਕਰਕੇ ਸੋਨਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਿਆਰੇ ਅਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਐਸੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਜੰਗੇ ਸਫੀਨ ਵਾਲੀ ਰਾਤ, ਜਿਸ ਰਾਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਤੀਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨੇਜ਼ੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਿਆਰੇ ਅਲੀ ਯਕੀਨਨ ਉਸ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨੋਟ ਕੀਜੀਏ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਔਰ ਹਦੀਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨੋਟ ਕੀਜੀਏ। ਕਹਿਣੇ ਲੱਗੇ, ਲੋਗੋ ਸੁਣੋ, ਜੰਗ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਹਮਲਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਬੂਬ ਦੀ ਇਸ ਸੁਨਨਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਗਵਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਹਬੂਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੋਏ, ਮਹਬੂਬ ਦੀ ਬਾਤ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੋਏ। ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਨੇ ਅੰਦਰ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਇਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੇ, ਇਸੀ ਤੇ ਹੀ ਅੱਲਾ ਮੌਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਆਖਿਰੁ ਦਾਵਾ ਯਾ ਅਨਿਲ ਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ।